ओम शांति। 10 दिसंबर 2019 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, सर्वशक्तिमान बाप से बुद्धि योग लगाने से शक्ति मिलेगी। याद से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। आत्मा पवित्र सतो प्रधान बन जाती है। प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो जिसकी प्रारब्ध में देवता पद मिलता है? उत्तर, संगम पर हम शीतल बनने का पुरुषार्थ करते हैं। शीतल अर्थात पवित्र बनने से हम देवता बन जाते हैं। जब तक शीतल ना बने तब तक देवता भी बन नहीं सकते। संगम पर शीतल देवियां बन सब पर ज्ञान के ठंडे छींटे डाल सबको शीतल करना है, सबकी तपत बुझानी है, खुद भी शीतल बनना है और सबको भी बनाना है। ओम शांति। बच्चों को पहले पहले एक ही बात समझने की है कि हम सब भाई भाई हैं और शिव बाबा सभी का बाप है। उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तुम्हारे में सर्व शक्तियां थीं, तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। तुम ही पवित्र देवी देवता थे। तुम्हारे कुल व डायनेस्टी में सभी निर्विकारी थे। कौन निर्विकारी थे? आत्माएं। अभी फिर से तुम निर्विकारी बन रहे हो। सर्वशक्तिमान बाप की याद से शक्ति ले रहे हो। बाप ने समझाया है, आत्मा ही 84 का पार्ट बजाती है। आत्मा में ही सतो प्रधानता की ताकत थी। वह फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान तो बनना ही है। जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती है तो मोटर खड़ी हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती, कुछ ना कुछ ताकत रहती है। जैसे कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं, उसमें घृत डालते ही रहते हैं कि कहां ज्योत बुझ ना जाए। अभी तुम बच्चे समझते हो, तुम्हारी आत्मा में पूरी शक्ति थी, अभी नहीं है। अभी फिर तुम सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाते हो, अपने में शक्ति भरते हो, क्योंकि शक्ति कम हो गई है। शक्ति एकदम खत्म हो जाए तो शरीर ही ना रहे। आत्मा बाप को याद करते करते एकदम प्योर हो जाती है। सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज रहती है। फिर धीरे धीरे कला अर्थात बैटरी कम होती जाती है। कलयुग अंत तक आत्मा की ताकत एकदम थोड़ी रह जाती है। जैसे ताकत का दीवाला निकल जाता है, बाप को याद करने से आत्मा
फिर से भरपूर हो जाती है। तो अभी बाप समझाते हैं, एक को ही याद करना है। ऊंच ते ऊंच है भगवन, बाकी सब है रचना। रचना को रचना से हद का वर्षा मिलता है। क्रिएटर तो एक ही बेहद का बाप है। बाकी सब हैं हद के, बेहद के बाप को याद करने से बेहद का वर्षा मिलता है। तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए कि बाबा हमारे लिए स्वर्ग नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है, जिसमें तुम बच्चे ही आकर राज्य करते हो। मैं तो एवर पवित्र हूँ, मैं कभी गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, ना देवी देवताओं की तरह जन्म लेता हूँ। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने के लिए जब यह बाबा 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होता है, तब इनके तन में मैं प्रवेश करता हूँ। यही फिर नंबर 1 तमो प्रधान से नंबर 1 सतो प्रधान बनता है। ऊंचते ऊंच है भगवान, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए? यह सिर्फ साक्षात्कार होता है। सूक्ष्म वतन बीच का है ना, जहाँ स्थूल शरीर है नहीं। सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। ब्रह्मा तो है सफेद वस्त्रधारी, वह विष्णु है हीरे जवाहरों से सजा सजाया। फिर शंकर के गले में नाग आदि दिखाते हैं। ऐसे शंकर आदि कोई हो नहीं सकता। दिखाते हैं अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अभी फिर सूक्ष्म वतन में तो मनुष्य सृष्टि है नहीं, तो कथा वहाँ कैसे सुनाएंगे? बाकी सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार होता है। जो बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं उनका साक्षात्कार होता है। यही फिर सतयुग में जाकर स्वर्ग के मालिक बनते हैं। तो बुद्धि में आना चाहिए कि इन्होंने फिर यह राज्य भाग्य कैसे पाया। लड़ाई आदि तो कुछ होती नहीं है, देवताएं हिंसा कैसे करेंगे? अभी तुम बाप को याद कर राजाई लेते हो, कोई माने व ना माने। गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्मों को भूल मामेकम याद करो। बाप को तो देह ही नहीं है जिसमें ममत्व हो। बाप कहते हैं थोड़े समय के लिए इस शरीर का लोन लेता हूँ, नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूं? मैं इस झाड़ का चैतन्य बीज रूप हूँ, इस झाड़ की नॉलेज मेरे ही पास है। इस सृष्टि की आयु कितनी है, कैसे उत्पत्ति पालना विनाश होता है, मनुष्यों को कुछ पता नहीं है। वह पढ़ते हैं हद की पढ़ाई, बाप तो बेहद की पढ़ाई पढ़ाकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। भगवान कभी देहधारी मनुष्य को नहीं कहा जाता, इन्हों को ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपनी सूक्ष्म देह है,
इसलिए इन्हें भी भगवान नहीं कहेंगे। यह शरीर तो इस दादा की आत्मा का तख्त है, अकाल तख्त है ना। अभी यह अकाल मूरत बाप का तख्त है, अमृत सर में भी अकाल तख्त है, बड़े बड़े जो होते हैं वहां अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं। अभी बाप समझाते हैं, यह सब आत्माओं का अकाल तख्त है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, तब तो कहते हैं यह कर्मों का फल है। सब आत्माओं का बाप एक ही है। बाबा कोई शास्त्र आदि पढ़कर नहीं समझाते हैं, यह बातें भी शास्त्रों आदि में नहीं है, तब तो लोग चिढ़ते हैं, कहते हैं यह लोग शास्त्रों को नहीं मानते। साधु संत आदि गंगा में जाकर स्नान करते हैं तो क्या पावन बन गए? वापिस तो कोई जा नहीं सकते, सब पिछाड़ी में जाएंगे। जैसे मकड़ों का झुंड व मक्खियों का झुंड जाता है, मक्खियों में भी क्वीन होती है, उनके पिछाड़ी सभी जाते हैं। बाप भी जाएंगे तो उनके पिछाड़ी सब आत्माएं भी जाएंगी। मूल वतन में भी जैसे सभी आत्माओं का झुंड है, यहाँ फिर है सभी मनुष्यों का झुंड, तो यह झुंड भी एक दिन भागना है। बाप आकर सभी आत्माओं को ले जाती है। शिव की बारात गाई हुई है, बच्चे कहो व बच्चियां कहो, बाप आकर बच्चों को याद की यात्रा सिखलाते हैं। पवित्र बनने बिगर आत्मा घर वापस जा नहीं सकती। जब पवित्र बन जाएंगी तो पहले शांति धाम में जाएंगी, फिर वहां से आहिस्ते आहिस्ते आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। राजधानी बननी है ना, सभी इकट्ठे नहीं आते हैं, झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता है ना। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म है जो बाप स्थापन करते हैं। ब्राह्मण भी पहले पहले वही बनते हैं जिन्हें देवता बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा तो है ना, प्रजा में भी भाई बहन हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो यहाँ ढेर बनते हैं। जरूर निश्चय बुद्धि होंगे तब तो इतने ढेर मार्क्स लेते हैं। तुम्हारे में जो पक्के हैं वह वहाँ पहले आते हैं, कच्चे वाले पिछाड़ी में ही आएंगे। मूल वतन में सभी आत्माएं रहती हैं, फिर नीचे आती हैं तो वृद्धि होती जाती है। शरीर बिगर आत्मा कैसे पाठ बजाएगी? यह पाठ धारियों की दुनिया है जो चारों युगों में फिरती रहती है। सतयुग में हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यह युग अभी ही बनता है जबकि बाप आते हैं। यह अभी बेहद की नॉलेज बेहद का बाप ही देते हैं। शिव बाबा को अपने शरीर का कोई नाम नहीं है। यह शरीर तो इस दादा का है। बाबा ने थोड़े समय के लिए यह लोन लिया है। बाप कहते हैं हमको तुमसे बात करने के लिए मुख तो चाहिए ना। मुख ना हो
तो बाप बच्चों से बात भी ना कर सके, फिर बेहद की नॉलेज भी इस मुख से सुनाता हूँ। इसलिए इसको गौमुख भी कहते हैं। पहाड़ों से पानी तो कहाँ भी निकल सकता है, फिर यहाँ गौमुख बना दिया है, उससे पानी आता है, उन्हें फिर गंगा जल समझ पीते हैं, उस पानी का फिर कितना महत्व रखते हैं। इस दुनिया में है सब झूठ, सच तो एक बाप ही सुनाते हैं, फिर वह झूठे मनुष्य इस बाप की नॉलेज को झूठ समझ लेते हैं। भारत में जब सतयुग था तो इसको सचखंड कहा जाता था, फिर भारत ही पुराना बनता है तो हर बात हर चीज झूठी होती है। कितना फर्क हो जाता है। बाप कहते हैं, तुम हमारी कितनी ग्लानी करते हो, सर्वव्यापी कह कितना इंसल्ट किया है। शिव बाबा को बुलाते ही हैं कि इस पुरानी दुनिया से ले चलो। बाप कहते हैं, मेरे सभी बच्चे काम चिता पर चढ़कर कंगाल बन गए हैं। बाप बच्चों को कहते हैं, तुम तो स्वर्ग के मालिक थे ना। स्मृति आती है, बच्चों को ही समझाते हैं, सारी दुनिया को तो नहीं समझाएंगे। बच्चे ही बाप को समझते हैं, दुनिया इस बात को क्या जाने। सबसे बड़ा कांटा है काम का, नाम ही है पतित दुनिया। सतयुग है 100% पवित्र दुनिया। मनुष्य ही पवित्र देवताओं के आगे जाकर नमन करते हैं। भल बहुत भक्त हैं जो वेजिटेरियन हैं, परंतु ऐसे नहीं कि विकार में नहीं जाते हैं। ऐसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं, छोटेपन से कभी छी-छी खाना आदि नहीं खाते हैं। सन्यासी भी कहते हैं, निर्विकारी बनो। घर बार का सन्यास करते हैं, फिर दूसरे जन्म में भी किसी गृहस्थी के पास जन्म ले, फिर घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। परंतु क्या पतित से पावन बन सकते हैं? नहीं, पतित पावन बाप की श्रीमत बिगर कोई पतित से पावन बन नहीं सकते। भक्ति है उतरती कला का मार्ग, तो फिर पावन कैसे बनेंगे? पावन बने तो घर जावे, स्वर्ग में आ जाएं। सतयुगी देवी देवताएं कब घर बार छोड़ते हैं क्या? उन्हों का है हद का सन्यास, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। सारी दुनिया मित्र संबंधी आदि सबका सन्यास। तुम्हारे लिए अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग तरफ है। मनुष्य तो नरक में ही लटके पड़े हैं, तुम बच्चे फिर बाप की याद में लटके पड़े हो। तुमको शीतल देवियां बनाने के लिए ज्ञान चिता पर बिठाया जाता है। शीतल अक्षर के अगेंस्ट है तपत। तुम्हारा नाम ही है शीतला देवी। एक तो नहीं होगी ना, जरूर बहुत होंगी जिन्होंने भारत को शीतल बनाया है। इस समय सभी काम चिता पर जल रहे हैं। तुम्हारा नाम यहाँ शीतला देवियां हैं। तुम शीतल करने वाली, ठंडा छींटा डालने वाली देवियां हो।
छींटा डालने जाते हैं ना, यह है ज्ञान के छींटे जो आत्मा के ऊपर डाले जाते हैं। आत्मा पवित्र बनने से शीतल बन जाती है। इस समय सारी दुनिया काम चिता पर चढ़ काली हो पड़ी है। अब कलश मिलता है तुम बच्चों को, कलश से तुम खुद भी शीतल बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। यह भी शीतल बने हैं ना, दोनों इकट्ठे हैं। घर बार छोड़ने की तो बात ही नहीं, लेकिन गौशाला बनी होगी तो जरूर कोई ने घर बार छोड़ा होगा। किस लिए? ज्ञान चिता पर बैठ शीतल बनने के लिए। जब तुम यहाँ शीतल बनेंगे तब ही तुम देवता बन सकते हो। अभी तुम बच्चों का बुद्धियोग पुराने घर की तरफ नहीं जाना चाहिए। बाप के साथ बुद्धि लटकी रहे, क्योंकि तुम सबको बाप के पास घर जाना है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, मैं पंडा बनकर आया हूँ तुमको ले चलने। यह शिव शक्ति पांडव सेना है। तुम हो शिव से शक्ति लेने वाली, वह है सर्व शक्तिमान। मनुष्य तो समझते हैं परमात्मा मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, इस ड्रामा में हरेक को अनादि पार्ट मिला हुआ है। मैं भी क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर हूँ। ड्रामा के पार्ट को हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। मनुष्य समझते हैं पत्ता पत्ता भी परमात्मा के हुक्म से हिलता है, लेकिन परमात्मा तो खुद कहते हैं, मैं भी ड्रामा के अधीन हूँ, इसके बंधन में बांधा हुआ हूँ। ऐसे नहीं कि मेरे हुक्म से पत्ते हिलेंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारतवासियों को बिल्कुल कंगाल बना दिया है। बाप के ज्ञान से भारत फिर सिरताज बनता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सूर्य वंशी में पहले पहले आने के लिए निश्चय बुद्धि बन फुल मार्क्स लेनी है। पक्का ब्राह्मण बनना है। बेहद की नॉलेज स्मृति में रखनी है। दूसरा, ज्ञान चिता पर बैठ शीतल अर्थात पवित्र बनना है। ज्ञान और योग से काम की तपत समाप्त करनी है। बुद्धि योग सदा एक बाप की तरफ लटका रहे। वरदान, चमत्कार दिखाने के बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आजकल जो अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं, वह लास्ट में ऊपर से आने के कारण सतो प्रधान स्टेज के प्रमाण पवित्रता के फल स्वरूप अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन वह सिद्धि सदाकाल नहीं रहती, क्योंकि थोड़े समय में ही सतो रजो तमो तीनों स्टेजेस से पास करते हैं।
आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप हैं। चमत्कार दिखाने के बजाय चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनाने वाले हैं। अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हैं। इसलिए सब आपके पास ही अंजलि लेने आएंगे। स्लोगन, बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो तो सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.